भारत अत्यंत प्राचीन देश है। इसका इतिहास गौरवशाली रहा है। भारत समृद्ध संस्कृति, विरासत और उच्च ज्ञान के लिए पूरे विश्व में वंदनीय है। भारत को गौरवशाली बनाने में हमारे वैज्ञानिकों का भी विशेष योगदान है। भारत के अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अमूल्य ज्ञान से हमारे जीवन को सुगम और सरल बनाया है। उनके द्वारा किए गए आविष्कारों से हम सब का जीवन पहले से बेहतर हुआ है और कार्यप्रणाली अधिक आसान हुई है। ऐसे ही वंदनीय वैज्ञानिकों को पुनः याद करने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। भारत को उच्च स्तरीय शोध कार्य तथा तकनीकी उपलब्धि की दिशा में ले जाने वाले महान वैज्ञानिक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का जन्म 21 फरवरी 1894 को पंजाब के शाहपुर जिले में हुआ था। जब वे मात्र 8 महीने के थे, तभी उनके पिता परमेश्वरी सहाय का देहांत हो गया। वे एक अध्यापक थे। शांति स्वरूप का बचपन अपने नाना प्यारेलाल, जो सिकंदराबाद में इंजीनियर थे, उनके यहाँ व्यतीत हुआ। नाना के यहाँ उन्होंने न सिर्फ प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, वरन इंजीनियरिंग कार्यों में भी रुचि और जिज्ञासा हासिल की। बालक शांति स्वरूप को भौतिकी और रसायन शास्त्र की बातों में बहुत रस आता था और वे स्कूल के अध्यापकों से ऐसे सवाल पूछ बैठते थे जिनसे अध्यापक दंग रह जाते थे। 1908 में स्वर्गीय परमेश्वरी सहाय के मित्र लाला रघुनाथ सहाय ने शांति स्वरूप की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली और उन्हें लाहौर ले गए। वहां पर शांति स्वरूप का एडमिशन दयाल हाई स्कूल में करवा दिया गया। शांति स्वरूप भटनागर ने सरकारी छात्रवृत्ति प्रतियोगिता में भाग लेकर छात्रवृत्ति हासिल की। धीरे धीरे वे आत्मनिर्भर हो गए। स्कूल में जमकर पढ़ाई करते और घर पर छोटे मोटे पुर्जे बनाने या पुरानी चीजों को नई चीजों में ढालते थे। 1911 में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। उसके बाद उन्हें दयाल सिंह कॉलेज लाहौर में प्रवेश मिला। उनकी पढ़ाई बेरोक टोक चलती रही। जब वे जगदीश चंद बसु के संपर्क में आए, तब उनका विज्ञान प्रेम और बढ़ गया। 1913 में उन्होंने FSC की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। 1915 में रसायन शास्त्र से MSc की डिग्री भी हासिल की। उसी साल उनका विवाह रघुनाथ सहाय की पुत्री लाजवंती से हो गया। उन्होंने दयाल सिंह कॉलेज में ही अध्यापन प्रारंभ किया। दयाल सिंह ट्रस्ट ने उन्हें विदेश में शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी और वे 1919 में लंदन गए। विदेश में उन्होंने इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी के वैज्ञानिकों के निर्देशन में काम किया। सभी उनकी विलक्षण बुद्धि व प्रतिभा के कायल हो गए। उन्होंने लवणों की घुलनशीलता और उसका प्रभाव के विषय पर लिखा और इस शोध ग्रंथ पर उन्हें 1921 में DSC की उपाधि मिल गई। देश प्रेमी डॉक्टर भटनागर स्वदेश लौट आए और भारत आने के बाद उन्हें सबसे पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 3 वर्ष तक बनारस में अध्यापन कार्य करने के बाद वे लाहौर चले गए, जहां उन्हें लाहौर विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया। यहां उन्होंने जल्दी ही ख्याति अर्जित कर ली। उन दिनों एक ब्रिटिश तेल कंपनी को रावलपिंडी के पास खनिज तेल के खनन का कार्य मिला। वहां की जमीन दलदली थी और जब खुदाई शुरू हुई तो नमकीन पानी से मिलकर वह मिट्टी कठोर हो जाती थी। इससे खुदाई में परेशानी हो रही थी। कंपनी के इंजीनियर ने उस समस्या के निदान के लिए जगह जगह पर लिखा, अखबार में विज्ञापन दिया। किसी ने उसे डॉक्टर भटनागर से संपर्क करने की सलाह दी।
अंग्रेज इंजीनियर भारतीय वैज्ञानिक से राय लेने में पहले तो हिचकिचाए, पर बाद में हार कर संपर्क किए। खनन कंपनी को प्रतिदिन भारी नुकसान हो रहा था, ये देखकर डॉक्टर भटनागर शोध कार्य में जुट गए। उन्होंने प्रयोगशाला में रात दिन एक कर दिया। अंततः उन्होंने राय दी कि कुएं के बीच एक किस्म का गोंद मिलाया जाए तो मिट्टी कड़ी नहीं होगी। कंपनी ने इस पर अमल किया और आगे बिना परेशानी के काम होने लगा। अगर कुछ और दिन तक हल न मिलता तो वे कंपनी दिवालिया हो जाती। डॉक्टर भटनागर को जगह जगह से शाबाशी मिली और जो लोग उनका और उनके हल का मजाक बना रहे थे वो चुप बैठ गए। कृता की खनन कंपनी ने पुरस्कार स्वरूप 1.5 लाख रुपए और लाभांश देने की पेशकश की। उस समय ये रकम बहुत बड़ी थी और इसे लेने के बाद उन्हें और कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी, पर देशभक्त वैज्ञानिक ने ये राशि पंजाब विश्वविद्यालय को दान करवा दी। उस राशि से पेट्रोलियम पर अनुसंधान के लिए एक अलग विभाग कायम किया गया। डॉक्टर भटनागर ने विज्ञान के विभिन्न विधाओं में शोध किया। उनके अनुसंधान जन उपयोगी थे। उन्होंने बेकार व फेंकी जाने वाली चीजों से जैसे जूट तथा जूट के चूरे, सीरा, गूदर, बांस के कचरे, मिट्टी के तेल को साफ करने के लिए बेहतर ढंग, गंधहीन मोम तैयार कराना जैसे काम सफलतापूर्वक किए। उन्होंने चुंबकीय रसायन में खोज, मशीनों को चिकना बनाने का तेल, रेत से धातु तैयार करना, नारियल के खोपड़े तथा रेशों के प्रयोग की अनेक विधियां भी इजाद की। डॉक्टर भटनागर के महत्वपूर्ण कार्यों से ही सौर ऊर्जा से चलने वाला सौर चूल्हा का निर्माण हुआ। विश्व युद्ध के बादल उन दिनों मंडरा रहे थे। उन्होंने युद्ध के उपयोग के लिए गैस का कपड़ा, वार्निश, वायु फोम, घोल, ईंधन, वनस्पति तेल के मिश्रण, अविस्फोटक बड़े बर्तन, प्लास्टिक के निर्माण विधियों की भी खोज की। डॉक्टर भटनागर के अनुसंधान से भारत सरकार बहुत प्रभावित हुई और उन्हें दिल्ली में बोर्ड ऑफ साइंटिफिक व इंडस्ट्रियल रिसर्च का निदेशक बनाया गया। 1942 से 1954 तक वे इस पद पर रहे। इस संस्थान ने जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य किए, वहीं स्वतंत्रता के पश्चात जब उस संस्था का नाम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कर दिया गया तो नए सिरे से अनुसंधान प्रारंभ किया गया। डॉक्टर भटनागर के नेतृत्व में काउंसिल के अंतर्गत 12 प्रयोगशालाएं देश के विभिन्न भागों में स्थापित की गईं और देश के होनहार वैज्ञानिकों को देश में ही रहकर अनुसंधान करने का अवसर मिला। वे लगातार अनुसंधान करते रहे पर उन्हें धन की लालसा कभी नहीं रही। जन उपयोगी अनुसंधान करने के कारण पेटेंटों से उन्हें भारी राशि मिली, पर जहां उन्हें धन मिला उन्होंने उसे वही स्थानीय कॉलेज या प्रयोगशाला को दान कर दिया। गंधहीन मोम, किरोसिन तेल, पेट्रोल आदि को साफ करने की विधि तैयार करने के लिए उन्हें बड़ी राशि के प्रस्ताव मिले। उनका चुंबकीय रसायन पर किया गया काम जो उन्होंने एक अन्य वैज्ञानिक डॉक्टर माथुर के साथ किया था काफी लोकप्रिय हुआ। इस विषय पर अंग्रेजी में उनका प्रकाशित ग्रंथ सबसे पहला था। अनुसंधान करने के अलावा वे विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान योजनाएं बनाने में भी कुशल थे। देश में वैज्ञानिक अनुसंधान योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ करने में उनका योगदान अतुलनीय है। उन्हें अनेक अवसरों पर सम्मानित किया गया। 1941 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर की उपाधि प्रदान की। 1943 में वे रॉयल सोसाइटी के सदस्य चुने गए। अनेक भारतीय विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधियों से विभूषित किया। आजादी के बाद भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। विज्ञान के अलावा उन्हें साहित्य, काव्य रचना, शेरो शायरी में भी रुचि थी।
कॉलेज के दिनों में उन्होंने उर्दू नाटक करामती लिखा था, जिस पर उन्हें पुरस्कार मिला था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन के दौरान उन्होंने गीत रचना भी की थी। जब 1946 में उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया तो उनके जीवन में सुनापन आ गया। इसे उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से बड़े सशक्त ढंग से व्यक्त किया। 1 जनवरी 1955 को इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। उनके द्वारा स्थापित संस्था काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में विज्ञान व टेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट अनुसंधान करने वालों को डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर स्मृति पुरस्कार प्रदान करती है। शांति स्वरूप भटनागर आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके अनुसंधान एवं उनके द्वारा किए गए अनेक कार्य आज भी अमर हैं। शांति स्वरूप भटनागर से जुड़ी ये जानकारी अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित की गई है। ये प्रयास आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voicefurblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। धन्यवाद। पहले से बेहतर हुआ है और कार्यप्रणाली अधिक आसान हुई है। ऐसे ही वंदनीय वैज्ञानिकों को पुनः याद करने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, भारत को उच्च स्तरीय में हमारे वैज्ञानिकों का भी विशेष योगदान है। भारत के अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अमूल्य ज्ञान से हमारे जीवन को सुगम और सरल बनाया है। उनके द्वारा किए गए आविष्कारों से हम सब का जीवन शोध कार्य तथा तकनीकी उपलब्धि की दिशा में ले जाने वाले महान वैज्ञानिक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का जन्म 21 फरवरी 1894 को पंजाब के शाहपुर जिले में हुआ था। जब वे मात्र 8 महीने के थे तभी उनके पिता परमेश्वरी सहाय का देहांत हो गया। वे एक अध्यापक थे। शांति स्वरूप का बचपन अपने नाना प्यारेलाल। भारत अत्यंत प्राचीन देश है, इसका इतिहास गौरवशाली रहा है। भारत समृद्ध संस्कृति, विरासत और उच्च ज्ञान के लिए पूरे विश्व में वंदनीय है। भारत को गौरवशाली बनाने